सो है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं द वॉकिंग ज़ॉम्बी। तो गाइस, आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मतलब हमें शक हुआ था कि फ्रैंक जो है, आप लोगों को पता होगा, मतलब जो ये सीरीज का फर्स्ट एपिसोड से देखे जा रहे हैं उनको पता होगा कि फ्रैंक कौन है। और फ्रैंक ने मतलब हमें शक हो रहा है कि वो गद्दारी ना कर दे, तो इसी का शक चल रहा है कि बस फ्रैंक गद्दारी ना कर दे। तो आज हम लोग आप लोगों का दोबारा से स्वागत है द वॉकिंग ज़ॉम्बी में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और वीडियो एम करते हैं 5 लाइक के लिए, बहुत ज़्यादा कम लाइक है, प्लीज़ करवा दो। और वीडियो शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो वीडियो। और प्लीज़ यार, और कौन कौन सी गेम्स उन्हें खेलनी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, कंटिन्यू कर दिया। तो आप लोगों का स्वागत है द वॉकिंग ज़ॉम्बी में। और गाइस, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मेरा इंट्रो न्यू हुआ है। गाइस, मेरा न्यू इंट्रो है, तो आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट से ज़रूर बताइएगा। तो मैं चेंज कर दूंगा अगर आपको ये इंट्रो अच्छा नहीं लगा तो, लेकिन कमेंट से प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा इंट्रो कैसे लगा। तो अब हम चलते हैं अपने गाइस, ये मैं आपको एक बार सारे बंदे दिखा देता हूँ। इसका नाम है एसी नया आया है और ये है फ्रैंक। इसी पर गद्दारी का शक हुआ था हमें। ये है फ्रैंक, वो और हमेशा किसी न किसी से बातें करता रहता है। इसका काम यही है। ये है अंकल एल्डर और ये अंकल बोरिस है और ये यहाँ पे कोई ट्रेडर भी है। और ये है लैला, ये एक मतलब क्लिनिक में काम करती है। और ये पता नहीं कौन है, अबे देख के आ रहा है, मार डालूँगा जान से। और इसका नाम है पता नहीं, इसका नाम गाइस क्या था मैं भूल गया, इसका नाम पता नहीं ए से कोई आता था, चलो कोई नहीं। तो गाइस ये है हमारा प्यार अगर, जहाँ पे ये शराब की इतनी सारी बोतल्स पड़ी है। आपको ये भी एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस कितने अच्छे अच्छे मतलब शराब हो। और यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैंडलाइट डिनर करता है। वैसे घर तो काफ़ी प्यारा है। तो अब हम लोग करने वाले हैं मिशन और देखते हैं मिशन से हमें पता चलने वाला है कि मतलब फ्रैंक जो है वो गद्दार है या फिर नहीं। उनका लल्डे पास चलेंगे और फाइनेंस सप्लाई नोट ना, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये तो गाइस कहेगा हमेशा आपसे हंटी करो। लैला के पास आज चलते हैं, कुछ पूछते हैं इसके पास क्या है। ट्राइब टाइम गिव अ लिटिल हेल्प, अभी भी हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है कि इसके हेल्प करें। अभी लास्ट है ये अंकल बोरिस, बस इससे कोई अच्छा काम मिल जाए। डू रिड्यूस सेस सो आई डोंट हैव इट द मोमेंट। जैसे गाइस हमें चलना कहाँ होगा, मतलब रिड्यूस सेट। और ये फेसबुक पे ज़ॉम्बी पता नहीं क्या बातें कर जा रहा है। इतना ओल्ड हाउस में चलेंगे। हाफ नेक्ड वांटेड वुमेन फेस द अवॉइड। गाइस बीच में मतलब कोई हमें बैंडिट्स मिल गए थे, वुमेन सबने उसको मतलब अवॉइड कर दिया, वरना हम चाहे उससे लड़ भी सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास ना टाइम नहीं है कि हम उससे लड़ सकें। तो गाइस बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम लोग अकेले अकेले यहाँ पर आए। और ज़ॉम्बी आप लोगों को पता ही है कितनी खतरनाक है। चुप जाओ भाई, हमें सबसे पहले तो अपने मिशन पर ध्यान देना होगा। भाई जो मतलब गेम के ग्राफिक्स हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब गेम के ग्राफिक्स बिल्कुल एनिमेटेड कार्टून जैसे। हेलो आंटी, तू मेरी गोलियाँ खा जा। ये कोई ज़ॉम्बी मदर है, ये किसी माँ है। गाइस अब हमें ज़ॉम्बी को मारने से ज़्यादा हमें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। क्या मसला है भाई, क्या मसला है, मुझे मेरा काम क्यों नहीं करने थे? फजूल का के भर रहेंगे लेकिन काम नहीं करने देंगे। कौन है भाई, स्कूल गर्ल से बेचारी ये भी ज़ॉम्बी बन गई। अफसोस है भेंजी। न्यू इन्वेंट्री स्कूल जाना कहाँ है? अच्छा है। इसके पास कोई और गन देखते हैं, इसके बस ये दो ही चीजें हैं। गाइस ये पता नहीं क्या मतलब, अबे करना क्या भाई।
गाइस शायद से हमें बाहर जाना पड़ेगा। गाइस सामने कोई टैंकर खड़ा हुआ है, सामने कुछ तो है। जल्दी कर ले भाई, जल्दी ना। तो फाइनली गाइस हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, अब हमें सिटी चलना पड़ेगा। अबे ये बारे बारे ये एनकाउंटर से लड़े जा रहे हैं, आप तो उनको नहीं छोड़ूंगा। जब भी देखो ना रास्ता में रोक के लड़े जा रहे हैं भाई, ये है कौन? ये मतलब एक टाइप से आप बैंडिट समझ रहे, तो मतलब ये लोगों को कहते हैं कि पैसे दो ना मार डालेंगे ये वो। मैं तो उनसे नहीं करता है का। अबे भागो भाई भागो, मुझे नहीं आना मुझे नहीं आना। गाइस अब मुझे समझ में आता है, ये जो औरतें ना मतलब जो वुमेन्स हैं इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। मतलब ये हमसे बैंडिट्स ने पैसे नहीं मांग रहे, मैंने गलत सोचा था, इनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। अबे 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 अबे, अबे तू है कौन बेटा, तू है कौन? भागो भाई, मैं नहीं कर रहा। अबे 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 मारो, अबे तू मुझे मारेगा? अबे भाई कुत्तों को तो गाइस कौन समझा? ये ले इसको मारूंगा, इसको हेडशॉट मारो। अबे फ्राई पैन में फ्राई कर दूंगा मैं, अगर एक ही हेडशॉट से दोनों का खात्मा हो गया। गाइस टेक लेदर स्क्रैप। अरे चलो गाड़ी में विचारों की क्या हालत कर दी इसने। रेशंस गाइस क्या तो हालत कर दी बेचारी इसकी। मुझे लगता है हमें ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, हम अपने सिटी चले गए। ये गेम तो मेरे से बहुत ज़्यादा डेंजरस है, कभी कभार बंदे को डर लग ही जाता है। तो गाइस हम सही सलामत अपने शहर पहुंच गए, मतलब शहर नहीं है आप कह सकते हो, हमारे एक कैंप फायर से यहाँ पे हैं, मतलब ये हमारे एरिया कह सकते हो। व्हाट्सअप गाइस ये गद्दार है, इसका नाम ये फ्रैंक। मुझे नहीं पता ये गद्दार है, आप नहीं पता इस पर हमें शक हुआ है, इसकी हरकतें होती है ना वो थोड़ी सी अजीब है। गाड़ी होता नहीं क्या करा फीस हो उसके। और एक बार यहाँ वो ये क्या है वैसे पर जो भी हो हमेशा। अरे तू चली जाए ऐसे, तेरा चिकन फ्राई कर दूंगा मैं, चिकन डिनर कर दूंगा मैं तेरा पबजी वाला। तो अगर ये हमारे यहाँ पे बेकार सी चार पाई इस पर तो होता नहीं। अबे ये गाजे पर बार बार बोले हंगरी, मैं इसका बाप हूँ मैं इसको। गाज मैं आपको रोनाल्डो देखा लेता हूँ, ये आप रोनाल्डो देख सकते हो। राजा भाई अबे बोल के दादी अपने अलग ही नशे, ये मारी गाय। मेरे ख्याल में तो अब हमें मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, देखते हैं इसके बाद की कोई। यस देयर आर अ लॉट ऑफ सप्लाइज, मतलब इसका मिशन था ब्रिंगिंग सप्लाइज फॉर द वुडलैंड्स। ग्रेट, विंटर इज कमिंग सो वी नीड सम फूड एज वी कैन गेट सम टेक फ्रेंड विथ यू एंड ब्रिंग, नो प्रॉब्लम। गाइस हम चलते हैं, मतलब कोई और भी हमें मिला है कोई मिशन पता नहीं, बोले कि विंटर आने वाले हैं और मतलब कुछ खाना वाना ला दो। तो फिर ऐसे यहाँ पे क्या डेंजर जोन एस हाउस। गाइस फ्रैंक भी हमारे साथ चलेगा, बस वो ऐसे नहीं कि बीच में हमारे साथ गद्दारी कर दे फ्रैंक, क्योंकि फिर अच्छी बात नहीं होगी, फिर बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी अगर फ्रैंक बीच में हमारे साथ गद्दारी कर दे। गाइस फ्राई पैन तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, शायद से ट्रेडर के पास जाकर एमओ खरीद करनी चाहिए हमें। राजा भाई गाइस मैंने कहा ये एक फट्टू इंसान है, आप इसको फट्टू भी कह सकते हो, मतलब जब भी ये मेरे साथ आता ना ये जीप में बैठा था, अब जो भी इसके सामने आएगी ये भाग जाएगा वहाँ से। ये फट्टू इंसान आप कह सकते हो, मतलब ये मेरे साथ कभी नहीं आता। चल भाई अबे चल, ये
ये बिल्कुल फटू इंसान है ना, जब भी मेरे साथ आता है ना मेरी हेड में कटा कर खाली ऐसे जीप में बैठा रहता है। तो मैं अपने आप की हेल्प तो खुद ही करता हूँ, ज़्यादा मेरे पास टाइम वो भी बिल्कुल कम है, और ऊपर से ये ज़ॉम्बीज भी जा भाई मर जाएगा तेरी कब से काटे जा रहा है, कुछ कह रहा नहीं हूँ तो ज़्यादा करेगा आपको ना कब सबसे पहले हुआ गाइस। ये तो बिल्कुल ही भारी पड़ है, मुझे नहीं लड़ना है इनसे, मुझे भागना है यहाँ से, जाना कहाँ वैसे में भी। ये वही वाली जगह जहाँ पे गाइस मैं शायद से पहले आया था, वही वाला टैंकर भी है यहाँ पे गाइस। ये मतलब ये जो पेट्रोल है ना ये हमारी बाइक्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अबे छोड़ दो भाई, गलती हो गई, ये ले। ओ गाइस इसको ऐसा होता बम फोड़ा ना ये, इसकी तो फट गई पूरी की पूरी। तो सोलर पैनल सारा होता रूफ ऑफ द वुडन शॉप। सोलर पैनल की कौन सी जरूरत है, लाइट वाइट की कौन सी जरूरत है तुम्हें, क्या तुम लोग टीवी देखोगे क्या, किक मारना इसको। ओ मतलब हमें यहाँ से लेडर सुखानी है, ऊपर चढ़ जा, चढ़ गया भाई सही सलामत होना। ये तो इसकी इसको नशे ना अपने बेटा, तू सबर कर जा भाई, सोलर पैनल उतारे फिर इनको बताएंगे वो डाउन से ले गए। मैं यही अबे यहीं से नहीं गिर सकते क्या, पीछे तो पीछे तो भागो 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 भागो। हाँ ये कौन था पहले ठीक है ना भाई, ये तो मैं लाइफ पूरी की पूरी वेस्ट कर देंगे, मुझे नहीं लड़ना इनसे। अरे भाई जल्दी कर ले यार, कौन सी बात हो गई, भागो भागो भागो, इन सबको तो मैं भी मार कर जाऊंगा भाई यहाँ से, मर जाना ये ले भाई, इन सबको तो मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं नहीं लड़ूंगा, सॉरी 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 अंकल मैं नहीं लड़ने वाला, सॉरी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है गाय। मतलब हमें एमओ भी गन की खरीद करनी होगी क्योंकि एमओ बहुत ज़्यादा ही मतलब है। और यहाँ पे निकाल दो बैर लीज योर फ्रेंड, ये बैर क्या हो गया भाई, ये क्या बोले जा रहा है। अच्छा ये बैंडेज है, मतलब यहाँ पे हम बैंडेज अपने यूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या लेदर स्क्रैप गाइस, हमने एक ये पेंट हमने कर दी अपनी, इसकी है वो मिल जाए ना गाइस। एक पानी की बोतल है और ये कुछ एमओ है, और इसका भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास है लेकिन मुझे पता भी नहीं था। ये ट्रैश है, इसको हमने ट्रैश आयरन स्क्रैप, यहाँ पे कुछ आयरन भी है जो हमें हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है गाइस। तो अब हम चलते हैं ट्रेडर पास, सबसे पहले सो गाइस अब हम चलते हैं ट्रेडर अंकल के पास। अंकल इससे सबसे पहले तुम एमओ खरीद करने वाले हैं क्योंकि, हेलो अंकल एमओ है आपके पास, बस हमारे पास जो गन है अरे भाई एमओ दे दे, ये क्या कौन सी बात हो गई यार, मैं तो इसे सेल भी कर सकते बाय भी कर सकते लेकिन इस सबसे मुझे बाय करना है। एमओ दे दे भाई एमओ दे दे यार, ये तो उसकी अच्छी बात नहीं होती, एमओ नहीं देगा मुझे, इससे एक दो बैंडेज भी खरीद कर भाई। एक बैंडेज $380 का एक बैंडेज, तो कोई नहीं हमने खरीद तो कर लिया है, और एक वाला मास्क भी $760 का खरीद कर लेते हैं। ये एमओ तो मैं बहुत ज़्यादा खरीद करने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम हमने बहुत ज़्यादा खरीद कर लिए। ट्रेजर मैप ऑफ वुडलैंड सर, हमने ट्रेजर मैप भी खरीद कर लिया, और ये क्या बेसिक लॉक पिक ये भी खरीद कर लेते हैं, बीन्स भी हमारे कुछ काम आ जाएंगे, और ब्रू टैबलेट ये टैबलेट भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आ जाएंगे, और ये इससे इतने पैसे हुए हैं
एक जैकेट भी करो। नहीं वैसे जैकेट की इतनी जरूरत नहीं, फजूला पैसा ध्यान नहीं करना, ऐसे पैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा कम नहीं है, तो ये भी खरीद कर लेते ना। तो इन्वेंट्री तो हमारी फुल हो चुकी है, थैंक यू अंकल। गाइस तो इन्वेंट्री में सबसे बड़ा तो देखते हैं, ये क्या वैसे। अबे भाई क्लाइम कर ले, ये तो कौन सी बात हो, इन्वेंट्री को खाली करो यार, हम इन्वेंट्री को खाली करेंगे अपनी। ये बताने ट्रेशन इसको सबसे पहले तो जाके फेंक देंगे। इस ट्रैश को भी फेंक देते हैं, इसको भी फेंक देते हैं, मतलब हमारी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा फुल हो गई है, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गाइस तो यहाँ पर हमने अपना मास्क इक्विप कर दिया है, तो मतलब अब हमें कैसे करना क्या होगा पता है, बता मुझे मत सिखाया करो। गाइस तो यहाँ पे इन्वेंट्री हमारी बहुत ज़्यादा मैंने खाली कर दी है, थैंक्स फॉर विंचर्स, पता नहीं है क्या बोल रहा है इसके तो अपने अलग ही। गाइस तो हमारे पास यहाँ पे कोई राइफल वाइफल आ गई है, तो चेक करते हैं। बस यार राइफल अच्छी निकल जाए, वरना ये चेक करो। गाइस इसके हमें एमओ भी मिल चुकी है, इसको मूव करके हम यहाँ पे कुछ और लगा लेते हैं ना। गाइस पता नहीं कैसे कैसे हमारे पास तो कुछ है भी नहीं करने के लिए काम। हेलो अंकल एल्डर डन इट वॉज अ पेस ओके वेल डन आई नीड यू गो सम मोर। गाइस ओके और भी मिशन कर लेते हैं। This is a vault on the top floor, don't have keys for this, this is lockpick, okay. Right, my boss to hair lockpick. You must find this yellow thing in the vault and bring it to me. Sorry, I don't have time with this one. इसके पास कोई चलते हैं गाइस, ये हमेशा यही कहता है, ये कहता है बंदा हंट करो, ज़ॉम्बी हंट करो, ये वो, और हंट मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बार ही गाइस हमें चलते ना लेते हैं, ये हमारा प्यारा सा वॉशरूम है जहाँ पे नहाते हुए हर कोई देख लेता है हमें। ये टांकी तो कितनी छोटी है, मतलब ये वॉशरूम वाली। एल्डर के पास तो कोई काम नहीं है, ये भी मतलब इसके भी अपने अलग नशे हैं, इसको भी मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई इसके पास हमें एक अच्छा सा मिशन मिल चुका है, हमें कोई फैक्ट्री वैक्ट्री में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रॉयड फैक्ट्री में हमें जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी चल के देख लेते हैं कि मतलब क्या वहाँ पे भी सीन है। गाइस आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये मेरा लास्ट मिशन रहेगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ज़ॉम्बीज़ से, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। आ गए इसका अबे गैस में जितनी जल्दी हो सके अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा। इसके सामने क्यों चला है, अबे चला जा मनुष्य क्या। गैस इतने सारे जंतु, ये वहाँ से होता नहीं क्या निकल रहा है, ये है क्या वैसे भाई, ये कोई ग्रीन ग्रीन भाग रहा है। अच्छा रिपेयर टैंक उधर पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ रिपेयर कर लो भाई। जितने सारे ज़ॉम्बी मतलब आए कहाँ से, मतलब एक ज़ॉम्बी एक से भले, दो दो से भले, तीन तीन से भले, चार चार से भले, पाँच मैडम इसके अंदर जाना पड़ेगा फटाफट से, इसके अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। अब कोई आ गया मुझे पता था, मेरा ये ले अबे मारना, अरे भाई हट जा हट जा, अरे तुम लोग मार दो तो भागो भाई। इसके इसके तो अपने ये लगी है मतलब नशे, मारा भी नहीं है मतलब
मैं कहाँ से लाऊं गाइस, गन की एमो मेरे पास टाइम खत्म हो गया, पैसे भी नहीं इतने की एमो बाय कर सके थोड़ी सी भी। तो मेरे सामने आया तो मैं उसका मुंह तोड़ के रख दूंगा। हो गया हो गया हो गया, कोई नहीं कोई नहीं गाइस, अगर और भी थोड़ी लेट हो जाती तो ये मैं मार डालते। वैसे हमारी लाइफ ही बहुत ज़्यादा कम है। अबे हट जा भाई, अबे हट जा, मार इसको, भागो नहीं, मार मार उसको, कोर्स कंप्लीट हो गया, भागो भागो, कहाँ भागना है, चलो 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 भाग जाओ। अबे और क्या लेना है, एक तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं जिंदा। अरे वैसे है क्या पानी है क्या, कोई मिशन कर वर्क फॉर द डॉक्टर। हेलो बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अबे इतना था लश्कर, ए मेरे साथ गाइस गन होती ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता था, तो पट्टे से सबको हेडशॉट मार देता अगर मेरे पास अभी गन होती तो। जैसे ज़ॉम्बीज़ को मारने का जो मज़ा आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सबको हेडशॉट। देन इट वाज अ पीस ऑफ केक। अबे सोचा गाइस अभी है मैं मतलब डॉक्टर बनना सिखाएगी कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, और मुझे तो अभी फिलहाल भी नहीं सीख गाइस। एक और भी मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ, अभी कभी कभार यहाँ पे ज़ॉम्बी आ जाते हैं ना, ये मेरा ये गंदी चीज़ क्या होती है, ये हमेशा यहाँ पे क्यों रखी होती है इसको नहीं। चलो चलो तो चलो गाइस, आज की योजना आई और आपको कैसी लगी वो कमेंट से ज़रूर बताइएगा। इस एम करते हैं 5 लाख के लिए, बहुत कम लाएंगे, प्लीज़ ज़रूर करवा देना। तो गाइस आप लोगों को मेरा न्यू इंट्रो कैसा लगा कमेंट से ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो सही, लेकिन बुरा लगा तो मैं इंट्रो चेंज कर दूँगा। तो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।